Friends, hope you're all staying home, staying safe and doing good. So today we are going to solve the page number 110 of your English textbook. English activity या textbook आपका जो है उसको 110 पेज निकाल के put down the date. तो जैसे कि आपको याद होगा last video में हमने adverbial clause of manner किया था, इस video में हम वैसे ही adverbial clause of place करेंगे. Adverbial clause of manner हमने ऐसे किया था कि adverb जो part है उसका क्या मतलब होता है कि जो verb को explain करे, clause यानी sentence का part, और manner यानी कोई काम कैसे हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे वैसे ही है कि verb को explain करना है, verb को explain करने वाला sentence का एक part होगा जो कि ये बताएगा कि verb कहाँ पे हो रहा है. Definition भी read कर लेते हैं जिसमें लिखा है कि an adverbial clause of place tells us about where something happened, यानी जो verb है वो कहाँ हुआ है. इट यूजुअली बिगिन्स विद कनेक्टर्स लाइक वेयर एंड वेयर एवर. उसमें कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं यानी कैसे शुरू होता है क्लॉज, वेयर एंड वेयर एवर. ठीक है, मदर टेरेसा, अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि मदर टेरेसा वेंट टू द सिटी वेयर देयर एवर मैनी सिक एंड डाइंग पीपल. यानी वो उस सिटी में जाती थी, कहाँ मदर टेरेसा सिटी में जाती थी, कहाँ सिटी में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार लोग होते थे. पुट द साइन डैश द पुट द साइन वेयर द वर्कर्स कैन रीड इट. एक साइन को लगाना है मगर कहाँ लगाना है, जहाँ के जहाँ पे वर्कर्स पढ़ सकें. आई फॉलो यू वेयर एवर यू विल गो. आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू विल गो, यानी मैं तुम्हें फॉलो करूँगा, कहाँ करूँगा, जहाँ जहाँ तुम जाओगे. द परेड डांसर्स वेव्ड एंड शाउटेड वेयर एवर दे वेंट. वो वेव कर रहे थे डांसर्स और शाउट कर रहे थे कहाँ, जहाँ भी वो जा रहे थे. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कैसे कनेक्टर्स, यानी कनेक्टर्स वो पार्ट होता है जहाँ से सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है. तो हम उससे पता लगाएंगे कि ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर है, और ये भी एक निशानी है कि वर्ब कहाँ हो रहा है, वो ये बात को एक्सप्लेन करता है. नीचे एक हमें एक्सरसाइज दी हुई है, फॉर्म सेंटेंसेज बाय यूजिंग द गिवन एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ मैनर, एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ प्लेस. ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ एडवर्बियल क्लॉज दिए हुए, हमें नीचे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, उनको कंप्लीट करना है और देखना है कि कौन से एडवर्बियल क्लॉज यहाँ पे रेलेवेंट होगा. सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें लिखा है कि शी इज़ टेकिंग मी टू द जू डैश वेयर आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्नैक्स. कहाँ जू लेके जा रही है, कहाँ, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा स्नैक्स देख सकूँ. ठीक है, प्लांट्स विल ग्रो वेयर, अब हमें देखना है कि कहाँ ग्रो होंगे प्लांट्स. वेयर एवर देयर इज़ लाइट वाटर एंड एयर, जहाँ पे हवा पानी और लाइट होगी यानी गर्मी होगी. यू मे साइन, तुम साइन कर सकते हो. वेयर देयर इज़ अ लाइन, जहाँ पे एक लाइन होगी, लाइन पे साइन करते हैं, तो कहाँ साइन कर सकते हो, जहाँ पे एक लाइन बनी हुई है. मैगट्स विल सर्वाइव, यानी कीड़े कहाँ सर्वाइव करेंगे. वेयर एवर देयर इज़ रॉटन फूड, जहाँ पे सड़ा हुआ खाना होगा. ठीक है, रेटल स्नैक्स विल गो, कहाँ जाएंगे रेटल स्नैक्स. वेयर देयर आर लिजर्ड्स एंड स्मॉल रॉडेंट्स, जहाँ पे छिपकली और छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो रॉडेंट्स होते हैं, वो होंगे, वहाँ पे रेटल स्नैक्स जाएंगे. ठीक है, अब हमने देखा कि पहले वाले जो पार्ट है उसको देख के हमने रेलिवेंट एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस यूज़ किया है, और हमने कैसे यूज़ किया है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, जहाँ पे हमें लग रहा है कि वो एडवर्ब को सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो इस पेज में हमने एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस को समझा है, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, और उसकी उसको एक्सरसाइज भी किया है ताकि हमें बेहतर समझ आ सके. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क बिलो द वीडियो.